नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बढ़ती टारगेट किलिंग पर हो रही सियासत की। कश्मीर में बढ़ती टारगेट किलिंग की घटनाओं पर अब सियासत गरमाने लगी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि टारगेट किलिंग की वजह से कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ रहे हैं। उन्हें घर वापसी का सपना दिखाया गया था, लेकिन अब उन्हें मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र कश्मीरी पंडितों के साथ है, वो उनकी हर संभव मदद करेगा। हम कश्मीरी पंडितों को बेसहारा नहीं छोड़ सकते। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि 1995 में बाल ठाकरे और तत्कालीन राज्य सरकार ने कश्मीरी पंडितों को शिक्षा में आरक्षण दिया था। हम कश्मीरी पंडितों के नेताओं के संपर्क में हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में मैं उनकी मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ केंद्र सरकार की अपनाई गई रणनीति पूरी तरह से फेल साबित हो रही है, जिसकी वजह से कश्मीर में मासूम लोगों की आतंकियों की गोलियों का निशाना बन रहे हैं। भूपेश बघेल के मुताबिक आतंकी पहले कश्मीरी पंडितों को अपनी गोलियों का निशाना बना रहे थे, वहीं अब प्रवासी मजदूरों पर भी आतंकियों के हमले आम हो गए हैं। उधर कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाओं के विरोध में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कहा था कि जब मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों की आवाज को दबाने में लगी है, तब आम आदमी पार्टी कश्मीरी पंडितों की आवाज बनकर आज उनके समर्थन में प्रदर्शन करेगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की वारदात में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं कश्मीर में हालात की समीक्षा के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृहमंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक भी की थी। सियासत और टारगेट किलिंग की घटनाओं के बीच कश्मीरी पंडितों का गुस्सा एक बार फिर से बढ़ गया है। दरअसल सरकार की तरफ से श्रीनगर में सुरक्षित माने जाने वाली जगहों और कश्मीर में जिला मुख्यालयों पर ट्रांसफर किए गए 177 शिक्षकों के नाम मैसेजिंग ऐप और सोशल मीडिया पर लीक हो गए हैं। इसके बाद कश्मीरी पंडित शिक्षकों ने गुस्से में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तवी पुल को जाम भी कर दिया। गुस्साए कर्मचारियों ने कहा कि हमारा ट्रांसफर कश्मीर के बाहर करने के बजाय सरकार ने सूची को सार्वजनिक करके आतंकवादियों को न्योता दे दिया है। पिछले करीब 4 दिनों से अपनी ट्रांसफर की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कश्मीर से लौटे हिंदू सरकारी कर्मचारी अब सरकार के खिलाफ खुलकर उतर आए हैं और अपनी ट्रांसफर की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं बीजेपी ने भी ट्रांसफर लिस्ट लीक होने पर आपत्ति जाहिर की है और जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि घाटी में लगातार कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है और अब इस मुद्दे पर मोदी सरकार भी घिर गई है। एक तरफ कश्मीरी पंडितों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है, तो वहीं इस मसले पर सियासत भी जमकर हो रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कश्मीरों जो पंडित हैं, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, उनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए, सरकार की इसमें योजना क्या रहने वाली है, सरकार पूरी योजना क्या बनाएगी और ट्रांसफर की लिस्ट आखिर लीक कैसे हो गई। बड़ा सवाल ये भी है, क्या विपक्ष इस मुद्दे पर सियासत कर रहा है या फिर वाकई में इसको लेकर कोई रणनीति तैयार की जा रही है। आज इसी को लेकर विश्लेषण करेंगे विशेषज्ञों के साथ और यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे समाधान किया जा सके। जो डर का भय का माहौल है इस वक्त, उसको कैसे सही किया जा सकता है। तो देखिए, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार इसको लेकर निशाना साध रही है मोदी सरकार पर और आज इसको लेकर आंदोलन की तैयारी, प्रदर्शन की तैयारी, टारगेट किलिंग को लेकर सरकार की जो गंभीरता है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है कि कितनी गंभीर है इस वक्त सरकार। एक तरफ चाहे बात करें महाराष्ट्र सरकार की, छत्तीसगढ़ सरकार की, या फिर बात करें दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, तो सभी इस वक्त सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में हैं, मोदी सरकार पर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कश्मीरी पंडितों का गुस्सा भी फूट रहा है, अब इस मामले पर सियासत हो रही है या फिर क्या हो रहा है। और जैसे हम जिक्र कर रहे हैं दिल्ली का, तो दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है, क्या कह रहे हैं केजरीवाल सुनते हैं। एक एक व्यक्ति को कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है, आपके हर संघर्ष में खड़ी है। आपको न्याय दिलाने के लिए हम हर मुमकिन कदम उठाएंगे, तन मन धन से हम आपके साथ खड़े हैं। मैं अगले एक दो दिन में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मिलने का टाइम मांगूंगा
कश्मीर पे चर्चा करने के लिए और उनसे समझने के लिए कि उनका क्या प्लान है। पूरा हिंदुस्तान आज अपने कश्मीर के दोस्तों के साथ, कश्मीर के भाई बहनों के साथ खड़ा है। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द समय मांगेंगे, खुद गृह मंत्री से इसको लेकर मुलाकात करेंगे और उसके बाद कश्मीर की जो समस्या है, खासतौर पर कश्मीरी पंडितों की जो समस्या है, उसको लेकर कोई समाधान निकालने की कोशिश जल्द से जल्द की जाएगी। तो टारगेट किलिंग जो की जा रही है, जो टारगेट करके एक के बाद एक आतंकियों की गोली का निशाना बन रहे हैं, उस पर अब सियासत हो रही है। सवाल सरकार पर भी उठाया जा रहा है, खुद कश्मीरी पंडितों का गुस्सा फूट रहा है, उन्होंने भी आंदोलन किया, जाम तक लगाया और सीधा उन्होंने चेतावनी सरकार को दे दी है कि ये आंदोलन उग्र भी हो सकता है अगर उनकी सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता बंदोबस्त नहीं किया गया, अगर उनको सुरक्षित माहौल नहीं दिया गया। अब सवाल बड़े इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। इस बीच जो ट्रांसफ़र किए गए 177 शिक्षकों की लिस्ट है, वो जो लीक हुई है, उस पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ज़रूर कहा गया है कि इस पर कार्रवाई होगी, जिन भी अधिकारियों के द्वारा या जिनके भी द्वारा इस तरह की लापरवाही की गई है, जो लिस्ट लीक हुई है, जो सूची लीक हुई है, जो भी नाम इसमें सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये कि आखिर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, इसी पर हमारी खास पेशकश, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विजय खेरा जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। भरत सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं, संजय द्विवेदी जी हमारे साथ शिवसेना की तरफ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल डॉक्टर विजय खेरा जी आप ही से, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर आखिरकार सरकार का क्या रोड मैप है, कैसे आप सुनिश्चित कर रहे हैं? एक के बाद एक टारगेट किलिंग और उसके बाद गुस्सा आंदोलन आप देख ही चुके हैं, जो सरकार कश्मीरी पंडितों को और कश्मीर में शांति की अपील करती है, शांति बनाए रखने की बात कहती है, आखिरकार उसके दरमियान ये सब कैसे हो पा रहा है, कैसे अब सुनिश्चित हो पाएगा? आप हमें ग्राउंड में जाना होगा, शुरू से पिछले 30 बरस हो गए, बरस से आतंकवादी अपने आप करते रहे और वहां पर वहां की सरकार उनको परिचय देती रही, उनकी छत्र छाया में वो पलते रहे। आर्मी की लड़ाई जब उनसे हुई तो आर्मी के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी और उनको आदेश दिए जाते थे कि वो गोली न चलाएं। और आपने, हमने वो रोते हुए सीन देखे हैं जब छोटे छोटे पत्थर मार के लोग आर्मी और पुलिस को मार रहे हैं और ये बेचारे बंदूक टांगे चले आ रहे हैं, चेहरा लटका है और मरे इतने लोग। ये जो माहौल 30 साल का जो बिगड़ा हुआ है, वहां का सारा वातावरण खराब हुआ है, अपराधियों की भरमार, आतंकवादियों की भरमार हो गई है और सरकार के वो छत्र छाया में पलते रहे हैं। तो एकाएक आपको याद होगा नॉर्थ ईस्ट की हालत, असम की हालत, नागालैंड की हालत, मतलब कहाँ कहाँ हम लोगों को 20 साल लग गए हैं उसको कंट्रोल करने में और नहीं कर पाए थे ये लोग। हमने 20 साल के बाद स्थिति की थी कि पिछले सालों में काफी हालात सुधर गए थे और अभी भी मुकाबला करेंगे, पिछले से सुधरे हैं, ये संतोषजनक नहीं है, दुखदाई है, लेकिन फिर भी अगर आप इधर देखेंगे जो माहौल मिला था उससे आज ये बेहतर है। कश्मीरी पंडितों को उनके अधिकार दिलाने के लिए पहली बार किसी सरकार ने ही आवाज उठाई है, किसी सरकार ने एक करके दिखाया है। 370 के आड़ में वहां पर ये लोग जितनी मनमानी करना चाहती थी सरकार करती रही और भारत का संविधान लागू नहीं था वहां पर, इसलिए भारत सरकार भी कुछ नहीं कर सकी और हैंडीकैप्ट बन के बैठी रही, मुंह मौत बंद करके बैठी रही और जो होता रहा उसका होने दिया गया, उसका अंजाम है। और अभी हाल में दो और नई बातें जुड़ी हैं मैडम, और नई बातें ये जुड़ गई हैं। मैं बता दूं उस माहौल को मिला, हमने पंडितों के अधिकार दिलाने के पूरे प्रयास किए, लोगों को वहाँ बसा रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, लेकिन ये कठिनाइयां जो मिली हैं उनको दूर करने में पूरी प्रयास हो रहे हैं और होते भी जा रहे हैं। जरा सा जब भी वो कुछ करते हैं उसका बदला चुकाते हैं। जब आतंकवादी पाकिस्तान से आए हैं, पूरा बॉर्डर लगा हुआ है, उस बॉर्डर से आपकी तरफ से योजना तैयार की जा रही है, कोशिशें की जा रही है, लेकिन इस वक्त हालात आप देख रहे हैं, वो कोशिशें, वो योजनाएं कितनी कारगर साबित हो पा रही हैं, उसका अंजाम क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का गुस्सा फूट रहा है सरकार पर भी, वो कह रहे हैं कि सरकार हमारी सुरक्षा क्यों नहीं सुनिश्चित कर पा रही है, आखिरकार क्यों बार बार सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भरत सिंह जी, यहाँ पर पूर्व की सरकारों पर एक बार फिर से दोष दे दिया गया है कि देखिए पुराना इतिहास रहा है और पुराने जो भी लूपहोल्स रहे हैं उसका कारण आज कश्मीर में जो अशांति है उसका माहौल दिख रहा है, क्या प्रतिक्रिया सबसे पहले?
पूछा कि पुरानी सरकारों में कब तक गोना रोई थी? शहरा जी आप पुरानी सरकारों में कब तक गोना रोई? पुरानी सरकारों को बदल तो दिया आपने, आप नई सरकार लेके आए, अब नई सरकार लाने के बाद में जिस पर कश्मीरी पंडितों को आपने बड़े विश्वास के साथ बताया था कि 70 धारा लागू कर दिया है, अब तब आप लोग अब सुरक्षित हो और आ जाएंगे फिर से कश्मीर में रहिए। अब कश्मीर में तो चले गए बेचारे, लेकिन अपने एक एक व्यक्ति अपनी जान के खतरा को महसूस कर रहा है। उसमें कम से कम पिछले एक हफ्तों में 4 से 5 कश्मीरी पंडितों की हत्या हो चुकी है, तो इसकी जवाबदार कौन होगी? कांग्रेस की जवाबदारी है क्या खेरा जी? भाजपा तो ये कहेगी कि इसकी जवाबदारी राहुल जी की है, सोनिया जी की है, कांग्रेस की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, गांधी जी की है। कि आप लोग के पास कुछ रहता नहीं है तो सीधा उठ के आ जाते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने किया। देखिए आपकी अपनी नाकामी ये दूसरों के सिर डालने के लिए ये टिकरा पोते हैं उसको बंद करिए और कश्मीरी पंडितों को जिस आत्मविश्वास के साथ लेके गए थे ना उनको सुरक्षा दीजिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा इस समय बहुत जरूरी है। ये राजनीति करने की राजनीति का समय नहीं है, इस समय सुरक्षा का उनको सुरक्षा देने का समय है। समझ जाइए आप। चलिए संजय द्विवेदी जी, यहाँ पर उद्धव ठाकरे सीधे तौर पर कह चुके हैं वो उनके साथ है, कश्मीरी पंडितों के साथ हैं। पहले भी महाराष्ट्र में उनके लिए बहुत कुछ किया गया है, शिक्षा से लेकर और अन्य व्यवस्थाएं उनके लिए की गई हैं, और अब जितनी भी कोशिशें हो पाएंगी, जितनी भी यहाँ पर कोशिश कर पाएंगे वो करेगी महाराष्ट्र सरकार। किस तरह से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर, चाहे बात हम राज्य सरकारों की करें तमाम, वो कैसे अब जो है अलर्ट मोड पर आ गई हैं और कैसे उनकी सुरक्षा को हम ऐसे रखें ताकि बार बार वो ऐसे टारगेट करके उनकी किलिंग ना की जा सके, कैसे आप दबाव बनाएंगे केंद्र सरकार पर भी इसको लेकर? जी मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का मैं सुन रहा था, वो जो कह रहे थे वो उनको अपने मन में खुद अध्ययन करना चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या सही है क्या नहीं है। आज 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चल रही है, काफी जगह पे इनकी राज सरकारें भी हैं, इन्होंने 370 धारा लाए वहां पे। आज की डेट में आप देखिए कश्मीर फाइल के नाम से एक फिल्म बनाई गई है, अभी उस फिल्म में ये दिखाया गया साहब जो पिछली सरकारें थी या पिछली जो हमारी केंद्र सरकारें नहीं है उनकी गलती है, जबकि इनको देखना चाहिए उस समय भी जब कश्मीरी पंडित वहां से हटाए गए थे। आज भी हमको दुख है 95 में महाराष्ट्र सरकार ने उनको 5% का आरक्षण दिया था, क्या इन्होंने किसी सरकार में आरक्षण आज तक दिया? नहीं दिया, पहली बात। दूसरा, जब वो हटाए गए थे उस समय जनता दल के साथ इनकी सरकार थी, इनके वहां राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुके थे, उस समय भी इनके रिजिम में हुआ। आज जो होने जा रहा है, तो आप कहिए कुछ भी, आप आरोप लगा दीजिए, तब महंगाई जो बढ़ रही है वो सब राजीव गांधी की देन है, पेट्रोलियम बाजार बढ़ रहा है मतलब जवाहरलाल नेहरू की देन है, आप दूसरे सरकारों पर आरोप लगा दें, लेकिन इनके पास मुद्दा कोई है ही नहीं। इनके पास तो मंदिर मस्जिद और किस तरह से मुसलमान या हिंदू को लड़ाए या उनको लड़ाए, उनको मुद्दा का सीधे चल रहा है। आज न इनको महंगाई की चिंता है, न इनको पेट्रोलियम पदार्थों की चिंता है, न संजय जी आवाज आपकी नहीं आ रही है। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन डॉक्टर विजय जी बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है खुद कश्मीरी पंडितों के द्वारा कि आप उनको सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं या फिर आप उनकी जो लिस्ट है उसको भी आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। 177 जो लोगों की लिस्ट थी वो भी सार्वजनिक हो गई है, वो भी व्हाट्सएप पर आ गई है, अब उसके लिए कौन दोषी है? सीधे उन्होंने आरोप लगाया है कि आप उनको सुरक्षित माहौल दे रहे हैं या फिर आतंकवादियों को आप न्योता दे रहे हैं कि आइए और फिर देखिए कहां कहां पर कौन कौन किसका ट्रांसफर हो रखा है ताकि उन्हें सब चीजें स्पष्ट नजर आ जाए। आतंकवादियों को तो न्योता भी दे चुके हैं और उनका साथ भी दे चुके हैं। आप कांग्रेस के नेताओं की बात देखें, बयान देखें, इनके बयान देखें, आप पार्टी के कल्चर जो शाहीन बाग में उन्हीं आतंकवादियों के जो यहाँ पर केले चपाटे थे उनको बिरयानी भिजवा रहे थे। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, लेकिन आप मुझे सीधी सी बात बताइए, इस तरह के मुद्दों पर सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा देना, पूर्वोत्तर की सरकारों ने जो किया वो किया, अब आपकी सरकार, अब आपके हाथ में जिम्मेदारी है सुरक्षा की, आप उस जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं? एक के बाद एक लोग सड़कों पर हैं, परेशान हो रहे हैं, आपसे उम्मीद है तभी आपको लाया गया,
भरोसा किया, लेकिन उस भरोसे का अंजाम आप क्या दे रहे हैं? आप इस तरह से सिर्फ रवैया नहीं रख सकते कि पूर्वोत्तर की सरकार है, उन्होंने ये सब किया, अब वो हम भुगत रहे हैं। अब आपके पास रोड मैप क्या है, आप क्या कर रहे हैं? अब आपको वर्तमान में आपसे सवाल पूछा जाएगा ना सर? जी बिल्कुल, हम बिल्कुल नहीं भुगत रहे हैं। उनका उन्होंने जो हरकतें की थी, उन्होंने जो लापरवाहियां की थी, उनको दूर तो करना है। 30 साल की बातें हमने जितनी जल्दी दूर की है करके भी दिखा दी। अब ये तो भारत का संविधान तक लागू नहीं कर सके, वहाँ उस देश को ही अलग कर दिया था, सारे हिंदू कश्मीरों को बाहर निकलवा दिया था इन लोगों ने, वहाँ बचे ही नहीं थे, आतंकवादियों का राज बचा था। वहाँ की सरकारें उनके साथ मिलती थी, पाकिस्तान की प्रशंसा करती थी, उन्हीं के साथ पाकिस्तान की प्रशंसा कांग्रेस पार्टी हो गई थी। इन लोगों के देखे थे स्टेटमेंट, इन सब चीजों से फर्क पड़ता है ना। PIF को अगर हम रोकते हैं तो उनका सहारा बन जाते हैं, उनका साथ देने लगते हैं। आज अगर आज जो घटना हुई है, जो पूरा डिबेट है सुरक्षा को लेकर है, क्या सुरक्षा मुहैया आप करवा पा रहे हैं, क्या आगे रणनीति है, कैसे हम अपने नागरिकों को सुरक्षा दें अपने ही देश में जब वो असुरक्षित महसूस करें, कैसे उनको सुरक्षित माहौल दें सर, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आप सिर्फ इसको लेकर बच नहीं सकते हैं सवालों से कि पूर्व की सरकारों ने ये किया और उसके बाद अब हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश से नहीं होने वाला सर। यहाँ पर आपसे जरूर हम ये जानना चाहेंगे आनंद सिंह जी, जिस तरह से कहा गया कि पूर्व की सरकारों पर डाल दिया गया, पहले की रणनीतियां खराब और उसकी वजह से आज ये हालात हम देख रहे हैं, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कहां पर इंसाफ मिल पाएगा, कहां पर इंसाफ की गुहार वो लगा सकते हैं? हेलो जी। हाँ नहीं, ये हमको उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन सब बता रहे हैं कि 30 साल में हालात बिगाड़ते चले गए। मैं खाली इतनी सी बात कह रहा हूँ, और 30 साल के हालात हमने अभी जो सुधारे हैं उसमें सुधार आए, उसकी बीच बीच के हिकअप्स हैं, इनको जब मौका मिलता है यहाँ वहाँ से घुस जाते हैं, और ऊपर से आज आर्थिक हाली ये कह रहे इसको कंट्रोल भी किया गया है, इससे कोई इंकार नहीं किया जा सकता। कल जो हालात थे, जो हालात मिले थे, उसमें बहुत सुधार हुआ है, नहीं तो रोजाना ये घटनाएं कितनी होती थी, उसमें भारी भारी कमी आई है। और अभी जो बची हुई है इनका भी प्लान आउट हो रहा है, आपने देखा होगा गृह मंत्री ने और सिक्योरिटी एडवाइजर ने सबने मिलकर तुरंत उस पर मीटिंग की है, और हमको वहाँ पर जो लोकल लोग स्थानीय लोग हैं उनके हृदय परिवर्तन। ठीक है, आपका जवाब डॉक्टर विजय जी मैं लूंगी, आपसे भी जवाब लूंगी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है भरत सिंह जी, सीधे यहाँ पर जो लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं उनके साथ कौन खड़ा है? कब तक उन्हें ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? आखिरकार कब तक उनको अपने देश में ही सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा? सुरक्षित माहौल उन्हें कैसे दिया जाएगा सर? कैसे हम घाटी में शांति की अपील जो करते हैं वो कैसे कायम हो पाएगी? इस पे आपको नहीं लगता सभी पार्टियों को एकजुटता के साथ कुछ करने की जरूरत है बजाय इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की? देखिए, राजनीतिक रोटी तो भाजपा कांग्रेस पार्टी हमेशा ये महबूबा के साथ में महबूबा के साथ में दोस्ती करते हैं, प्यार मोहब्बत बढ़ाते हैं तो वो सही है। कांग्रेस पार्टी अगर कुछ करे तो फिर ये सीधा सीधा कांग्रेस का आ जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कांग्रेस ने अच्छे काम नहीं किए, कांग्रेस को 27 लोगों ने कर दिया, हटा दिया, और आप तो बड़े विश्वास के साथ लाए था सीधे पंडित को नहीं चाहिए, मोदी जी आए हैं 10 के बदले 10 लेके आएंगे और हमको सुरक्षा देंगे, तो आप इसमें पूरी तरह से विफल हो गए। कश्मीर की बात जो कश्मीर पंडितों की बात पूजा जी हो रही है, ये जो कश्मीरी फाइल जो विवेक अग्निहोत्री जी ने बनाया तो उन्होंने एकदम साफ तौर पर दिखाया कि इसका सारा दोष कांग्रेस को जाता है, जबकि आपको विजय जी याद होना चाहिए कि उस समय गवर्नर भी आपका था, सरकार भी आपके सहयोग से चल रही थी, तो कांग्रेस का कहां से उसके हाथ हाथ तो छोड़िए उंगली भी नहीं थी उसके अंदर। फिर आज आपकी सरकार है पूरे देश में इस समय बहुमत से भारी बहुमत से आपकी सरकार है, 18 राज्यों में आपकी सरकार है, उसके बाद कश्मीरों को कश्मीरी पंडितों को बड़े विश्वास के साथ से आपके लिए भरोसा दिलाया कि आप आइए वहां पे रहिए और आपको सुरक्षा देने की गारंटी हमारी सरकार की, हमने 370 धारा वहां पे अप्लाई कर दिया। ये सारे चीजों को देखते आपके ऊपर विश्वास करके कश्मीर पंडित आपके साथ में आए, आने के बाद उनको क्या किया तो अपनी जान गंवानी पड़ी। आपने वहाँ पे एक सिस्टम ये बना दिया है कि जो अगर ट्रांसफर लेना चाहे पूजा जी वो ट्रांसफर नहीं ले सकता है, अगर वो आना चाहता है आज देखिए फिर से प्लान चालू हो गया। अगर बहुत जल्दी विवेक अग्निहोत्री जी से पूजा जी लेटर लिखने वाला हूँ और उनको एक ज्ञापन देने वाला हूँ कि देखिए जल्दी से जल्दी आप कश्मीरी फाइल्स बनाइए और ये
अफ्रीका जी, ये सिर्फ तो है बहकावे की सरकार है। नहीं, पलायन रुकेगा कैसे? और अगर पलायन हो रहा है तो कौन इनकी सुरक्षा को लेकर जवाबदेही और जिम्मेदारी समझेगा? द्विवेदी साहब, आप बताइए जरा, क्या जो शिवसेना बार बार कह रही है कि हम कश्मीरी पंडितों के साथ हैं, आप उनकी सुरक्षा की जवाबदेही जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? जो पलायन की स्थिति है, उस पलायन की स्थिति को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? अब स्पष्ट चीज बताते हैं आपसे, अभी जब कश्मीर फाइल आई तो सारे चैनल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, आप भी देख रही थी। आज नौबत क्या आ रही है कि हम खुद देख रहे हैं कि कश्मीरी पंडित वहां से पलायन करने सोच रहे हैं, पलायन करने उन्होंने बात भी की है। तो हमें, मेरा सिर्फ इतना पूछना है, जब आपने धारा हटा दी और उसमें सभी पूरी इंडिया के लोग वहां ले सकते हैं, वहां के लोगों का ट्रांसफर यहां हो सकता है, तो जो स्त्रियां पैदा कर रही है किस लिए पैदा कर रहे हैं? दूसरी बात कि आज पलायन के जिम्मेदार कौन? आप अगर भाई हम अगर शिवसेना कह रही है, कांग्रेस कह रही है, आप कह रही है, तो हम तो उनके अच्छे के लिए कह रहे हैं ना, हम आपका सहयोग करने के लिए कह रहे हैं ना, लेकिन आप तो सीधे सीधे आरोप लगा देते हैं कि साहब ये तो पिछली सरकारों में था पलायन हुआ था, लेकिन आज आपकी सरकार में पलायन हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहाँ पे आपके राज्यपाल है, राज्यपाल जब आपने भेजा तो कह के भेजा रहे साहब इसको पूरा सुधार देंगे, पूरा सही कर देंगे, केंद्र में आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपके हैं, तो आखिरकार जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? डॉक्टर विजय जी, बहुत शॉर्ट में आप जरा ये बताइए, अब जो लिस्ट भी सार्वजनिक हो गई है उसको लेकर क्या करने वाले हैं? उसकी सुरक्षा को आखिरकार क्या किया जाएगा, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? एक के बाद एक लूपहोल्स। हाँ, बार बार फिर पलायन की बात करते हैं, 5 लाख पलायन किसने करवाया? हिंदू विहीन कश्मीर किसने किया? तो पलायन के बारे में शर्म करके बोले ना ये लोग पहले। अब बताइए किसने कश्मीर को हिंदू विहीन किया, किसके शासन में हुआ? जो अभी 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 न्यूज़ आ रही है, आप देख लीजिए, अभी न्यूज़ आ रही है, पलायन की न्यूज़ अभी आ रही है। देखिए, आप सवालों से बच रहे हैं, इस तरह से नहीं होता सर। जो सवाल है कम से कम उसका आप जवाब दीजिए, आप सब कुछ ठीकरा नहीं फोड़ सकते ऐसे। बहरहाल समय का अभाव है मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े और टारगेट किलिंग को लेकर आज की खास चर्चा रही। लेकिन इस तरह के संवेदनशील इशू को लेकर आखिरकार सरकार क्या कर रही है और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर अब क्या आगे रोडमैप बनेगा, कैसे सुनिश्चित की जाएगी, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही, बने रही हमारे साथ, नमस्कार।